Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri. <laughs> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होने के वाक़ात के बारे में जब हम बात करते हैं और मॉब लिंचिंग के बारे में बात करते हैं और मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर बात करते हैं और जब कभी उन मुद्दों पर बात करते हैं उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान मुझे मैसेज़ के ज़रिए या वीडियोज़ के ज़रिए भेजते हैं तो वहाँ पर रहने वाले हिंदू मज़हब के मानने वाले जो हैं वो बहुत ज़ोर शोर से आकर कमेंट करते हैं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा और सब ठीक है और सब सही चल रहा है तो मैं उनसे कहता हो सकता है आपके इलाके में सब ठीक चल रहा हो लेकिन इंडिया में एक करोड़ लोग रहते हैं या शायद इससे भी ज्यादा रहते हो तो अब इन तमाम वाकत को जो आपके सामने हो यह जरूरी नहीं कि यही सब कुछ इंडिया में हो रहा है पूरे के पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है और इसका ये मतलब नहीं हम शित की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते शितर को जब डर लगता है तो अपना मुंह जमीन में दे देता है समझता है कि खतरा टल गया ये बेवकूफ़ी होती है अगर कहीं पर कोई मसला है तो उसको हाईलाइट करना से वहाँ के ये बताने का तासर होता है कि वहाँ पर यह भी हो रहा है और इसकी तरफ लोगों की नज़र करवाई जाए ताकि इसकी असलाह हो जाए माशरे में ये गलत एलिमेंट्स हो रहे हैं इसके खिलाफ़ सबको आवाज़ उठानी चाहिए इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास धर्म से नहीं है इसका ताल्लुक़ भारतीय शहरीों से है सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड रेज दर वॉइस दिस कि जहाँ इनजस्टिस सर्व हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाई जाए इसको लेके आज कल ट्विटर उठा लें या आप टिकट उठा लें या फेसबुक उठा लें वहाँ पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है वो है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया किसने रोका ये जो ऑरेंज कलर के मफलर लगा कि फिरते रहते हैं आप समझ सकते हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऑरेंज रंग में फसाद फैलाते हुए नजर आते हैं पूरे इंडिया भर में आजकल ये छोटे से दिल रखने वालों की बड़ी यहां पर कि ये वही लोग हैं कि जहां हजार जमा हो जाते हैं तो दस को घेर लेते हैं तपड़ ऊपर नहीं है जिगरे नहीं है इनमें इतने इनमें से किसी एक को को ना कि जाके 1 ऑन 1 कर लो कबीर भी नहीं करेगा उसमें जिगरा नहीं है ये पुलिस भी उनको प्यार मोहब्बत से समझा के एक तरफ कर रही होती है इनको पता है ना पुलिस ने इनको हाथ लगाना है ना इन्होंने हवालात में कभी जाना है ना इनके ऊपर कोई मुकदमे होंगे ना कोई केसेस होंगे इनकी राजनीति इनकी हुकूमतें इनकी बदमाशी गुंडे हैं ये इन गुंडों ने चंद मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की है इन गधों को तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पता इतने गधे हैं ये गधे हैं लिटरली ये इतने गधे हैं कि इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पता इनको अपना आइन भी नहीं पता इनको अपना दस्तूर भी नहीं पता इन्हें ये भी नहीं पता कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट वहाँ पर किसी को उसके धर्म के नाम पर आप दीवार से नहीं लगा सकते मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकते मुसलमानों को नमाज पढ़ने से पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली कोई रोक नहीं सकता इनको इतना भी नहीं पता ये गुंडे हैं ये गुंडे हैं लिटरली और उन इमाम साहब को सलाम है जिन्होंने इन लोगों के इस शदीद नारेबाजों और मुखालफत के बावजूद पुलिस वहाँ मौजूद थी उन्होंने उनको धक्का देकर पीछे की तरफ कर दिया लेकिन उन्होंने उसके बावजूद नमाप नमाज पढ़ाई उन मुसलमानों को भी सलाम है जिन्होंने वहाँ नमाज़ पढ़ी और इस कदमी का सबूत दिया तो ये वो तस्वीर है जो सही मानों में आइनदार है कि जो गुंडा गर्दी इंडिया में हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई जाएगी इसको हाईलाइट भी किया जाएगा और आज गोदी मीडिया जो है ना बड़ा उछल रहा है सियालकोट के मामले को लेकर उस पर हमने बात की है कि सियालकोट में जो हुआ है वो गलत हुआ है लेकिन उसकी आड़ में आप ये बदमाशियाँ नहीं छुपा सकते गोदी मीडिया आपको कभी ये बदमाशा नहीं दिखाएगा जो ये करते फिरते हैं इंडिया में कि कैसे दिखाएगा वो तो आए ही गुंडे बदमाश जब बैठे हैं ऊपर लोकसभा में और मुख्तलफ़ और सभाओं में बैठे हुए हैं और सुबह नहीं होने देते इंडिया में क्योंकि रात इनकी छाई हुई है गुंडागर्दी की तो बहरहाल इस तरह के वाक़ तो होने ही होने हैं होते ही रहते हैं इंडिया में कहीं कहीं हाईलाइट होकर सामने सोशल मीडिया की सूरत में आ जाते हैं लेकिन इससे अंदाज़ा करें कि जहाँ पर ये सोशल मीडिया की पावर नहीं है वहाँ ये गुंडे क्या क्या कुछ करते होंगे अल्लाह ताला इंडिया के मुसलमानों को साबित कदमी दे वहाँ पर उन्हें इन जालिमों से जालिम हैं जाबिर हैं गुंडे हैं ये चाहे ये आर एस एस के टैग से आएँ या बीजेपी के टैग से आएँ या किसी और टैक्स से आएँ ये गुंडे हैं क्योंकि जो गुण्डागर्दी करते हैं ये दहशत गर्द हैं बेसिकली दीज आर दहशत गर्द ये हैं वो आतंकवादी जिनसे मुल्क को साफ करने की ज़रूरत है बॉलीवुड की पिक्चर्स में आप कितने ही हाई लाइट कर दें अच्छा मुसलमानों को जब हाईलाइट करते हैं उस पर मुसलमान हाथ उठाते हैं आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं भाई पिछली मूवीज़ में हमने हिंदुओं को भी हाई लाइट किया था हिंदुओं को हाई लाइट किया था लेकिन उनके धर्म को कभी नहीं उछाला था या तुम धर्म को उछाल रहे बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां तुम दीवार से एक हालात हो रहे हैं ना कि मुसलमानों के खिलाफ हालात हो रहे हैं उसमें तुम तो मुसलमानों के खिलाफ वीडियोस बना रहे हो और उनके रिलीजन को हाईलाइट कर रहे हो और उनको कह रहे हो कि जैसे हम कहते हैं वैसे अगर तुम नजर आओगे तो तुम सही हो वैसे नजर नहीं आते तो तुम ठीक नहीं हो वॉट नॉन इज दिस आपने कभी धर्म के नाम पर बाकी लोगों को नहीं लगाया आपने उनके नामों से कि भाई भाई ये भी नामों से क्या होता है तो हम भी कहते हैं कि बुरे इंसान का ना कोई मज़हब होता है ना कोई नाम होता है वो बुरा इंसान बुरा होता है बुराई बुराई होती है कोई भी कर सकता है किसी भी रिलीजन के लोग बुराई कर सकते हैं लेकिन उससे उस रिलीजन को कठेरे में ला नहीं खड़ा किया जाता इस तरह तो सबसे बड़ा आतंकवादी अशोका था भाई बाद में अगर प्राश्चट करके उसने चोले पहन लिए तो पहले तो लाखों पता नहीं कितने आप लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं जो रियलिटी से बहुत दूर है इतने लोगों का खून उसके हाथ पे है तो बहुत बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा आतंकवादी था फिर तो तो इस्टार्ट करें ना वहाँ से फिर ये क्या बात हुई कि दुनिया में आतंक भी आप फैलाएं और कहें कि भाई आतंकवादी भी कोई और है तो इसलिए इस बात को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि ये वहाँ पर कर क्या रहे हैं और इस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे इन शह ती कह ये इन चीज़ों को छुपाते हैं उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि लोगों को हम वही पिक्चर दिखाएंगे जो हमारे उसमें जाती है कि हम बड़े अच्छे हैं और मुसलमान बड़े ख़राब हैं और उस पर जो आवाज़ उठाते हुए कहते हैं नहीं 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 ये सब ठीक हो रहा है जी हम हतर मुर्ख नहीं हैं आप शुतरमुर्ग होंगे आप भगोड़े होंगे लेकिन बहरहाल इस पर और कभी बात करेंगे लेकिन इट वॉज इट वॉज अ वेरी वेरी करेजियस एक्ट ऑन पार्ट ऑफ वो इमाम साहब और उनके पीछे पड़ने वाले लोग और uh, इतने कैमरे लगे हुए थे मुझे हो सकता है पुलिस ने इसलिए आके इन लोगों को रोक दिया लेकिन फिर भी ये नारेबाजी से बात नहीं यानी इतने घटिया लोग हैं कि एक इंसान अल्लाह की इबादत करना चाह रहा है और उसे इबादत नहीं करने देते तो सोचिए इस ज़माने में इनका ये हाल है और कैमरे की आंख के आगे इनका ये हाल है तो ये पीछे क्या क्या कुछ करते होंगे इससे अंदाजा कर लें कि कितने घटिया लोग हैं ये इनके अंदर क्या चल रहा है ये बेसिकली ये दिमागी मर्स के शिकार हैं दे ऑल शुड टेक एन अपॉइंटमेंट विद सम काइंड ऑफ साइकेट्रिस्ट जिन्हें से किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है ये दिमागी मरीज हैं ये लोग इनके दिल जो हैं ये बात कितनी भी कर लें कि हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और हम अमनमस तुम्हारे अंदर जो आग लगी हुई है ना वो हाथ जोड़ने से भी नहीं जा रही चक्कर सा रही है तुम्हारा वही हिसाब है कि बगल में छुरी और मुंह में मीठी बोल ये अपने इंसान अपने अंदर से मुनाफिकत ख़त्म करो ये ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के जो तुम इंतजार फैलाते फिर रहे हो ना पूरे देश में इसको ख़त्म करो अपने अंदर से अगर वहाँ के लोगों में ये बोलने के तप्पड़ नहीं है ना तो हम बोलते रहेंगे चाहे तुम इसको कोई भी नाम दो क्योंकि तुम गलत कर रहे हो तुम अन्याय कर रहे हो और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हर इंसान का फ़र्ज़ है और हर मुसलमान का काम तो है ही है कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि आमर बिल बिल्माफ करो और नहीं अनिल मुनकर करो कि एक दूसरे के साथ अच्छाई में जुड़ो और बुराई में एक दूसरे का साथ न दो बल्कि बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो और बुराई के ख़िलाफ़ एक्शन लेने वाला ये ईमान का आला दर्जा होता है और बुराई को बुराई समझने वाला और किसी मसलहत के तहत खामोश रहने वाला वो भी ईमान का दर्जा होता है लेकिन अदना दर्जा होता है तो हमने अपने इन 25-30 जितने भी करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं बास 35 कहते हैं बात 30 कहते हैं ऑफिशियली कोई पच्चीस कहता है जितने भी रहते हैं हम उनके साथ हैं और उनसे यकजहती का मुजाहरा करते हैं